गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। माय नेम इज टीना मलकार। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि विकास तभी संभव है जब उसका आधारभूत ढांचा मजबूत हो। अगर आपको आपकी नॉलेज के लिए मजबूत करनी है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि मैं आपको हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करूं और इजी वे में करूं, ताकि आपके नॉलेज का विकास हो और कॉन्सेप्ट हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट बहुत डीपली तरीके से समझा सको। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसे कि अपना चल रहा है लेखांकन की शब्दावली, तो मैंने पार्ट फर्स्ट में पूंजी तथा आहरण पढ़ा दिया है। अब ये पार्ट सेकंड है जिसमें मैं पढ़ाऊंगी परिसंपत्तियां क्या होती है। तो परिसंपत्तियों को दो भागों में बांटा गया, मूर्त तथा अमूर्त, और मूर्त को भी दो भागों में बांटा गया, स्थिर तथा चालू संपत्तियां। तो पहले अपन समझेंगे संपत्तियां क्या होती है। तो संपत्तियां समझने के लिए तो मैं एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि मैं एक व्यक्ति हूँ, तो मेरे पास एक मेरे घर में पर्सनली यूज के लिए है, मेरे पास फ्रिज, टेबल, कुर्सी, फैन, बहुत सारी चीजें जो फर्नीचर है वो जिसपे हक किसका है, मेरा है। और एक मेरा दोस्त है, उसके पास भी सभी चीजें हैं, ये सभी चीजें फर्नीचर वगैरह सभी उसके पास है। और मैं मेरा जो फर्नीचर है मैं सभी क्या करना चाहती हूँ, बेचना चाहती हूँ। लेकिन मैं कौन सा जो है संपत्ति है उनको बेच सकूंगी जिनका मापन क्या हो, मुद्रा में किया जा सके, जिनका कोई आर्थिक मूल्य हो, केवल उन्हीं को मैं बेच पाऊंगी और वही मेरे लिए संपत्ति है। और एक मैं हूँ बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन ये एक संपत्ति नहीं है क्योंकि उसको मुद्रा में नहीं मापा जा सकता। या मैं बहुत बेईमान हूँ, तो बेईमानी को भी अपन क्या करते हैं, मुद्रा में नहीं माप सकते, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूँ। तो यह है जिनका मापन मुद्रा में किया जा सकता है, केवल उन्हीं को क्या कर सकते हैं अपन, वही क्या कहलाती है, अपनी संपत्ति कहलाती है। और एक मैं पड़ोसी की वस्तु बेच सकती हूँ, उसका इसके ऊपर मेरा कोई हक नहीं होता। केवल उन्हीं वस्तुओं को अपन बेच सकते हैं जिनका हक अपने अपने पास हो और जिनका मापन मुद्रा में किया जा सकता है और जिनका आर्थिक मूल्य होता है। वैसे ही अपन व्यवसाय में समझेंगे कि हम व्यवसाय में उन्हीं संपत्तियों को रखेंगे जो व्यवसाय से क्या हो, जो व्यवसाय द्वारा धारित की गई है, जो व्यवसाय की खुद की है, कि वो ही संपत्तियां हो। और वह उनमें भी कौन सी हो जिनका मापन मुद्रा में किया जा सकता है, उनका कोई आर्थिक मूल्य होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, अपन संपत्तियां कहते हैं। और जिनका मापन मुद्रा में नहीं किया जा सकता उनको अपन संपत्ति कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो अब संपत्ति तो उनको समझ में, संपत्ति क्या होती है, संपत्ति को दो भागों में बांटा गया, मूर्त तथा अमूर्त। तो मूर्त किसे बोलते हैं, मूर्त मान लिख रखा दृश्य, यहाँ लिख रखा मैंने दृश्य, आप समझ जाओगे दृश्य तो बहुत ईजी है। तो टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट मतलब होता है ऐसी संपत्तियां जिसको देखा, छुआ तथा महसूस किया जा सकता है। अब जैसे मेरे पास आप अपने सामने पड़ा है सोफा सेट पड़ा है, अब उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, एंड महसूस कैसे कर सकते हैं। अगर किसी ने मेरे को ब्लाइंड फोल्ड कर रखा है तो मैं ऐसे छूंगी तो मैं महसूस कर सकती हूँ उसको, ऐसे करके महसूस किया जा सकता है। मतलब ऐसी संपत्ति है जिसको देखा, छुआ तथा महसूस किया जा सकता है, वह क्या कहला सकती, कहलाती है मूर्त संपत्तियां कहलाती है, दृश्य संपत्तियां बोल सकते हैं उसको, देखा, छुआ तथा महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो वह संपत्ति क्या कहलाएगी, मूर्त संपत्तियां कहलाएगी। तो ये थी टेंजिबल एसेट। तो इनटेंजिबल एसेट्स की क्या है, अपोजिट है, ऐसी संपत्तियां जिनको देखा, छुआ तथा महसूस नहीं किया जा सकता, ये क्या होती, काल्पनिक संपत्तियां होती, इनको बोल सकते हैं काल्पनिक। जिनको केवल अपन इमेजिन कर सकते हैं, ये कोई इनको देखा छुआ तथा अपन महसूस नहीं कर सकते, केवल उन्हीं को क्या बोलते हैं, अमूर्त संपत्ति, मतलब आदर्श, जिनको देखा नहीं जा सकता, ऐसे अपन इजी लैंग्वेज में याद कर सकते हैं। अब मूर्त संपत्ति को दो भागों में बांटा गया, चालू संपत्ति तथा स्थिर संपत्ति कहते। तो चालू संपत्ति कहते, चालू संपत्ति संपत्तियों से तात्पर्य ऐसी संपत्तियों से है जिनको अपन क्या कर सके, एक वर्ष के अंदर क्या कर सके, नगद में परिवर्तित कर सके, वह संपत्तियां कहलाती है चालू संपत्तियां कहलाती है। अब चालू संपत्ति के अपन एग्जाम्पल देखेंगे, पहला है नगद, नगद तो नगद ही होता है, उसको क्या परिवर्तन करवाएंगे। फिर है बैंक, अगर बैंक में पैसा है तो अपन को जब जरूरत हो अपन जब ले सकते हैं, अगर मेरे को आज जरूरत है तो मैं आज बैंक की पासबुक लेके जाऊंगी, वहां मैं बिल भरूंगी और लगाऊंगी काउंटर पे और मुझे पैसा मिल जाएगा। मतलब ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल है, मतलब अपन जल्दी से जल्दी इमीडिएटली अपन पैसा ले सकते हैं। फिर है देनदार, अगर डेटर्स है साल भर के, अगर अपन को पैसा चाहिए तो बोलेगा मैं एक महीने बाद में दे दूंगा, दो महीने बाद में दे दूंगा,
जो भी उधार अपन से खरीद के लेके गया वह क्या कहलाता है, लेनदार कहलाता है। इसको आगे की वीडियो में और डिटेल समझाऊंगी। तो लेनदार क्या होता है, लेनदार जिसने अपन से उधार माल खरीदा है, तो मैं उसको बोल दूंगी भाई एक महीने बाद पैसा दे देना, वो दे देता है तो ठीक है, लेकिन एक साल से ऊपर मतलब ये होते हैं एक साल के अंदर अंदर होता है, क्योंकि अपन ज्यादा दिन तक उधार नहीं देंगे। फिर है स्टॉक को भी अपन बेच के क्या कर सकते हैं, जल्दी से नगद में परिवर्तित कर सकते हैं। बीपी अपन पढ़ेंगे, एक पेपर होता है जिसको अपन देख के और पैसे ले सकते हैं। तो मतलब इजी वे में है कि एक साल के अंतर्गत क्या कर सके, उसको नगद में परिवर्तित कर सके। वह क्या कहलाती है, चालू संपत्ति कहलाती है। इसको अल्पकालीन संपत्तियां भी कह सकते हैं अपन, क्योंकि शॉर्ट टर्म, क्योंकि इसको जल्दी से परिवर्तित कर सकते हैं अपन। मैं लिख देती हूँ अल्पकालीन संपत्तियां। अल्पकालीन संपत्तियां कहते हैं। तो ये था अपन शॉर्ट में, चालू मतलब जल्दी से नगद में परिवर्तित हो जाए, सिंपल सी भाषा। फिर है स्थिर संपत्ति। स्थिर संपत्ति क्या होती है, ये ऐसी संपत्ति होती है जो लॉन्ग टर्म के यूज के लिए अपन खरीदते हैं। अब जैसे फ्रिज है, फ्रिज के अपन लिया है और आज लाए कल बेच दिए, और फिर कल लिया है फिर तीसरे दिन बेच दिए, ऐसा थोड़ी होता है। अपन लाते क्यों, लॉन्ग टर्म यूज के लिए लेके आते हैं। तो मतलब ऐसी संपत्तियां जो दीर्घकालीन संपत्ति होती है और दीर्घकालीन क्या करती है, व्यवसाय को लाभ प्रदान करती है। इसमें कौन कौन सी आती है अपन देखते हैं। इसका एग्जाम्पल भवन मतलब बिल्डिंग। अब बिल्डिंग खरीदेंगे अपन, बिल्डिंग खरीद ली तो वो क्या करेगी, व्यवसाय को ऐसे तो यानी एक साल तक उसको फायदा देगी, जब तक व्यवसाय चल रहा है, जब तक वहां पे व्यवसाय है वो उसको क्या देगी, लाभ प्रदान करेगी। भूमि, भूमि में बनेगा भवन। फिर है कंप्यूटर। कंप्यूटर ऐसे तो है नहीं एक साल के लिए यूज में लेते हैं, बहुत सालों तक कंप्यूटर चलता है। प्लांट, प्लांट तो अपन किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेके आते हैं। मशीनरी भी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेके, मतलब इनका मतलब यह है, इसलिए संपत्ति का मतलब यह है कि जो कि लॉन्ग टर्म तक क्या करती है, व्यवसाय को फायदा देती है। मैं कहलाती इसको अगर इसके स्क्रैप बच जाते तो अपन बेचते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन इसका जो मोटिव होता है, इसको खरीदने का मोटिव ये नहीं होता कि इसको अपन बेचें, इसका मोटिव ये नहीं होता, मतलब इसको व्यवसाय में काम में लेना होता है, वही क्या कहलाएगी, स्थिर परिसंपत्तियां कहलाएगी। तो इसको दीर्घकालीन परिसंपत्तियां भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट, दीर्घकालीन। इसको इजी वे में अपन कैसे समझेंगे, चालू संपत्ति क्या होती है, जिनको एक वर्ष के अंतर्गत नगद में परिवर्तित कर ले, क्या कहलाएगी, शॉर्ट टर्म या फिर चालू संपत्ति कहलाएगी। और लॉन्ग टर्म या फिर स्थिर संपत्तियां कौन सी होगी, जिनको अपन दीर्घकालीन तक व्यवसाय के लिए यूज में लेते हैं और जो व्यवसाय को लाभ प्रदान करती है। ये थी मूर्त संपत्तियां। अब पढ़ते हैं अपन अमूर्त संपत्तियां समझेंगे। अमूर्त संपत्तियां मतलब इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, जिनको देखा छुआ तथा महसूस नहीं किया जा सकता है, वे क्या कहलाती है, अमूर्त संपत्तियां कहलाती है। और ये क्या होती है, काल्पनिक संपत्तियां होती है, जिनको अपन देख नहीं सकते, ये केवल काल्पनिक होती है। तो सबसे पहले इसमें है गुडविल। अब गुडविल क्या होती है, तेरे व्यवसाय का ये क्या होती है, बहुत एक दुकान है जो बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, मतलब वहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत रीजनेबल प्राइस पे क्या मिलती है, वस्तुएं मिलती है। तो अपन जो भी सभी जो ग्राहक है वहीं से खरीदना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ अच्छी क्वालिटी की वस्तु मिल रही है और वो भी रीजनेबल प्राइस में मिल रही है। तो उसने क्या करा, बहुत वर्क करा और अपनी गुडविल बनाई है। तो कहलाएगी गुडविल। लेकिन ये कोई वस्तु तो है नहीं जिसको अपन देख सके या छू सके, लेकिन फिर भी ये क्या व्यवसाय से संबंधित है और इसका मापन मुद्रा में कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगी, परिसंपत्तियां कहलाएगी, मतलब आदर्श परिसंपत्ति में आती है गुडविल। अब क्या है, एकस्व यानी पेटेंट क्या होता है, पेटेंट मतलब होता है जब अपन कोई नया आविष्कार करते हैं तो उस व्यक्ति को क्या मिल जाता है, पेटेंट मिल जाता है। तो अब पेटेंट मिल गया, हमारी पेटेंट मिल गया, लेकिन ये कोई संपत्ति तो उसको देख या छू तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी इसका क्या होता है, मूल्य होता है, इसको मुद्रा में मापा जा सकता है। तो ये क्या कहलाएगी, परिसंपत्तियां, यानी एकस्व क्या होता है, आदर्श परिसंपत्ति में आता है। अब है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, जैसे मैंने एक बुक लिखी तो मैं उसको प्रकाशन के लिए दूंगी, तो उसको मैं बोलूंगी कि जितनी बुक भी छापेगा तो मुझे ₹10 देगा, क्योंकि ₹10 देगा हर पार बुक में, मुझे क्या मिलेंगे, ₹10 मिलेंगे। अब कॉपीराइट मिल गया, इसमें कोई वस्तु तो थी नहीं, लेकिन उसके पास क्या है, कॉपीराइट है कि मैंने जो छापी है वो कोई और नहीं छाप सकता बुक, मेरी देख के अगर कोई छापेगा तो उस पर केस हो जाएगा। तो ये हो गया था कॉपीराइट होता है। तो ये क्या कहलाएगी, इसका मापन मुद्रा भी कह सकते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगी, परिसंपत्तियां। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलें। और कीप सपोर्टिंग मी।